आज पटना वासियों के लिए सुखद दिन है। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एसएसआई ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। राजधानी वासियों के लिए तीन बड़ी सौगात आज मिली है, बहुत खुशी का बात होता है। अब एक साथ में तीन सौगात मिली है। जेपी गंगा पथवे एक नंबर, अटल पथ पार्ट टू दो नंबर, और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण है मीठापुर आरओबी का। ये दृश्य आप देखिए, पहले ये मीठापुर यारपुर और सीधे विधानसभा की ओर जाती है। अब भी यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद एवं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के संग इसी स्थान पर उद्घाटन और लोकार्पण किया गया है। यह योजना बहुत पहले ही हो जाना था, लेकिन कुछ भी कह सकते हैं, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजधानी वासियों के लिए पटना के तीन बड़ी सौगात मिली यहाँ पर। ये दृश्य जो नज़ारा देखिए, बिल्कुल खुश मिजाज है तमाम दृश्य। और जिस इसी जगह स्थान पर अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया गया, शुभारंभ किया गया, उसके बाद ये सड़क जो है करबी गई से डायरेक्ट आप विधानसभा यारपुर और मीठापुर के रास्ते आप जा सकते हैं। क्योंकि पहले घंटों जाम हुआ करता था, लेकिन अब जाम लगभग पटना शहर से समाप्त होने के दिशा में पहुंच गया। चलिए हम इसी आरओबी से चलते हैं और वहां का तमाम दृश्य हम आपको दिखलाते हैं। वासियों के लिए सुखद दिन है। जेपी गंगा पथ और जेपी सेतु से कनेक्शन, अटल पथ का कनेक्शन और मीठापुर आरओबी, ये तीनों बहुत प्रतीक्षित योजना थी। इन तीनों योजनाओं का लाभ पटना की जनता को मिलने जा रहा है। आप जो दृश्य देख रहे हैं ये मीठापुर का जी है, इसी से ये मीठापुर का ये मंडी चली जाती है और ठीक सामने विधानसभा और यारपुर भी चली जाती है। ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं पटना के लिए आज बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि तीन सौगात मिला है। पहला है जेपी गंगा पथवे, जी हाँ, जेपी से अगर जो भी लोग जाना चाहेंगे तो सीधे पीएमसीएच तक जा सकते हैं। और रास्ता वो मेरिन ड्राइव की तरह कैसा है सर, ये बताइए। बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। नया नया पुल बना है, अभी तुरंत ही अभी आए नीतीश कुमार, हम भी सोचे देखते चले, हम भी थोड़ा ड्राइव ले ले, खुशी का माहौल है। नहीं, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, पहले बहुत ही जाम रहता था, इससे अब लोगों को निजात मिलेगा, है ना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम आज जितने भी जो पटना शहर वासी है वो लोग खुशी का माहौल बनाए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि तीन सौगात, बड़ी सौगात मिली है यहाँ पर। जो देख सकते हैं ये दृश्य,
बिल्कुल खुशहाल तमाम लोग इर्द गिर्द जो भी अब मकान जो देख रहे हैं वो साइड से मकान जो चारों तरफ है वो लोग ये देख रहे हैं कि आखिर काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये सौगात और ये भी बड़ी सौगात मिली है पटना वासियों के लिए, क्योंकि अक्सर जाम का सामना करना पड़ता था, वो जाम का स्थिति अब लगभग समाप्त हो जाएगा। और ये गाड़ी का आवागमन भी चालू हो गया है, आप देख सकते हैं एक जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का लोकार्पण किया और साथ ही आवागमन चालू हो गया और सबके चेहरे पर एक मुस्कान है। जी हाँ, एक चीज़ देखा जाता है तो सबसे बड़ी बात है क्या कि एक मुस्कान, एक माहौल खुशी का माहौल है और ये तमाम माहौल। आंटी 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 कैसा लग रहा है ये उद्घाटन? हाँ, बहुत अच्छा, हम लोग को आराम हो गया, जाने में स्टेशन जाने में आराम हो गया। पहले का अपेक्षा नहीं, बहुत आराम हो गया। पहले दो ट्रेल बीच में रेलवे क्रॉसिंग है, बहुत दिक्कत होता था, बहुत हम लोग को आराम हो गया है, बहुत खुशी का माहौल है। बहुत खुशी माहौल से देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आंटी भी बोल रहे कि भाई बहुत खुशी की बात है और ये तमाम पटना वासियों के लिए बिल्कुल सौगात है। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं एक नए अंदाज, नए उत्साह के साथ में। जय हिंद।